देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। क्या डूब रही है दिल्ली? खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का पानी, प्रशासन ने खाली कराया इलाका, दहशत में है दिल्ली। दिल्ली में यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का खतरा अब दिल्ली वासियों को सताने लगा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। ये अभी रात से बढ़ी है पानी, बहुत ज्यादा बढ़ी है, मतलब बेहिसाब बढ़ी है। हम तो घर के सामान तक निकाले, अभी सारे घर में ही है। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की गई? क्या पंडाल दिया तो पूरे खुले हुए, कोई बच्चे बैठे, लड़की बैठे, उसका कोई ये नहीं ढंग का, ऐसे खुले पड़े, खाली पंडाल दे दिया। खाने पीने की व्यवस्था, बिजली, अभी कुछ नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने सुबह 11 बजे पुराने लोहे के पुल पर बैरिकेड लगाकर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। पुराने लोहा पुल को अब पैदल यात्रियों के लिए भी बंद कर दिया गया है। पानी का स्तर 205.94 मीटर जा पहुंचा है, यह खतरे के निशान से ज्यादा है। सर, यानी कि रात से पानी बढ़ा है यहाँ पे, और रात से ज्यादा ही पानी बढ़ गया है। अब इतना आ गया कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर सोने की यानी कि साधना नहीं है, और अभी हम लोग जो है सोच रहे हैं कि क्या करें नहीं करें। सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला हुआ है? सरकार वहाँ से तो फिलहाल हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब तक मिला भी नहीं है कुछ भी। सरकार ने कहा है कि 2000 शिविर लगाए गए हैं, मतलब 2000 कैंप आप लोग के लिए, 2000 से ज़्यादा लगाए गए हैं, तो कितना क्या कुछ मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही 15-20 लगे हुए हैं कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुश्किल बर्तन, पानी तो बहुत ही बढ़ गया, मुश्किल था बर्तन भरे, बर्तन निकालने को परेशानी हो गया। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधाएं मिली हुई है? अभी कुछ नहीं मिला। सरकार जैसे कह रही कि 2000 टेंट लगाए गए हैं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि 2000 टेंट आप लोग के लिए लगाए गए, क्या मिला है अभी तक कुछ ऐसा कि नहीं आप लोग? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमने सवेरे आए के देखा तो बाढ़ पानी जुग्गी में भर गया, हमारा सामान निकालना भारी पड़ गया। यमुना के जलस्तर से यहाँ झुग्गियों में रहने वाली जिंदगियां भी परेशान हैं। हालांकि ये कहानी कोई नई नहीं है, हर साल यमुना के स्तर बढ़ने पर इन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। कभी आधी रात में घर में पानी घुस जाता है, तो कभी सुबह आंख खुलते ही यमुना घर की दहलीज पर दस्तक दे देती है। सर ऐसा है, वसूल कर रहे हैं कि पानी, घर में पानी आ गया, पानी इसलिए बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बच्चे में पानी में बच निकल गया, सामान सारा छोड़ के आ रहे हैं, अब जो सब धूम में बैठे, ना कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे जैसे धूम में बैठे पड़े हुए। सरकार ने लगभग 2000 टेंट की बात कर रही है, 2000 टेंट दिल्ली सरकार ने कहा। सर हम आपको मिला, आप लोग क्यों नहीं रह रहे उसमें? सर हम चाह रहे हैं टेंट जब मिलता हूँ, जब जभी तब आएंगे, तो हम बर्तन हमसे सूखा रहता था, हम नहीं आए, गीला तो आया, जभी तो आएंगे हम, वैसे ना छीन के रोड पर आके बैठेंगे आके हम, ये बताइए। किसी अधिकारी से कहा यहाँ? सबसे बोल दिया कोई, अभी लग रहे हैं, कोई कोई आज सुनी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सही बोल रहे हैं, बोले अभी लग रहे हैं, कोई बात नहीं। सरकार ने यमुना नदी के किनारे रहने वाले इन लोगों के लिए 2000 से ज्यादा शिविर लगाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सर ढकने के लिए सरकार से कोई आसरा नहीं मिला है। खतरे के निशान के पार होने के बाद सरकार ने यहाँ पे जो यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था करी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन के माध्यम से कहेंगे कि टेंट दिखाएं, जो टेंट लगाए हैं सरकार की तरफ से लगाए गए हैं यहाँ पे जो लोग किनारे रहते हैं, उनमें से अभी भी कुछ लोगों को टेंट नहीं मिले हैं। उन लोगों का कहना है कि जो लोग पहले आए थे उनको टेंट मिल गए हैं, और जो अभी हमको, जब मेरे आज रात में जो पानी बढ़ा है, हम लोग ऊपर आए हैं भाग के, तो उसके बाद अभी तक हमको टेंट की व्यवस्था नहीं कराई गई है, लोग ऐसे ही धूप में पड़े हुए हैं, लोगों काफ़ी नाराज़गी है। यमुना का चेतावनी स्तर 204.50 और खतरनाक स्तर 205.33 मीटर है। सोमवार सुबह 8 बजे यमुना ने 204.56 मीटर के साथ चेतावनी स्तर को पार किया। शाम 5:30 बजे यमुना खतरनाक स्तर को पार कर गई। रात 8 बजे तक जलस्तर 205.50 मीटर था।
अभी 12 बजे का है 206.03 और शाम का एक फोरकास्ट है तो उसमें ये 206.20 तक पहुंचने की संभावना है। उसके बाद में कल सुबह के लिए फोरकास्ट है 207 मीटर और फिर उसका कुछ टाइम रुकने के मतलब उसी लेवल पे चलेगी कुछ टाइम। क्या लगातार पानी बढ़ रहा है? हाँ पानी बढ़ रहा है पीछे में। क्या कोई चेतावनी भी जारी की गई है कि हाँ डेंजर लेवल से तो ऊपर हो गया, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कर रही है उसके बारे में। फिलहाल आज लोहे का पुल पैदल यात्रियों के लिए बंद तो है लेकिन ट्रेनों का आवागमन जारी है। भले ही पुल पे पहुंचते ही ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी जाती हो लेकिन ट्रेनों का आवागमन अभी भी जारी है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 40 साल बाद एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस लिहाज से मंगलवार का दिन दिल्ली वासियों के लिए मुश्किल भरा साबित हुआ, खासकर दिल्ली के निचले इलाकों में। इतना ही नहीं, गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी बाढ़ का असर दिखाई दे सकता है। इस हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के साथ फरीदाबाद में भी स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है। हरियाणा के हथनी कुंड से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी अब दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है। ये उफनाती हुई यमुना जो किनारे यमुना के किनारे जो लोग रहते थे उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि लगभग 2000 टेंट की व्यवस्था कराई गई है जिसमें बिजली पानी और खाने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जब लोगों से हमने आकर पूछा तो उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। अब देखना यह है ये उफनाती हुई यमुना कब तक शांत होती है और दिल्ली वालों को कब राहत की सांस मिलती है। कैमरामैन अवधेश के साथ अभिनव शुक्ला, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।